हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप देख रहे हैं हमारा घर पर्दों से सजा हुआ है, क्योंकि खुशहाली जी ने और हमारे घर के जो वर्कर लोग हैं उन्होंने सब ने घर के पूरे पर्दे धुलवा दिए हैं। सब जगह पे पर्दे ही पर्दे सूख रहे हैं। ये हॉल है, इसमें भी सूख रहे हैं, और ये मेरे ओटी का बाजू का एरिया है, और इस छोटी सी बालकनी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पर्दे सूख रहे हैं। हर जगह सिर्फ पर्दे पर्दे हैं, क्योंकि सब पर्दे धो गए हैं। अभी मैं उतरा हूँ नीचे, और नीचे मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी आज क्या सफाई चल रही है। ये है हमारी सुनीता भाई, और ये जो गेहूं के साथ बैठी है ये हमारे ठाकुर भाई। ये बचपन से हमारे घर पे आते हैं और हमारे घर के सब काम करते हैं। और अभी देखते हैं किचन का क्या हाल है। ये देखिए, किचन में भी सफाई चल रही है, हर जगह सफाई सफाई है, और सब लोग परेशान हैं क्योंकि हर जगह पे सामान पसरा हुआ है और धूल भी है। ग्रेसी कहाँ है? वो काम करते हैं। कहाँ है? लंबे सांग वाला। हाँ। ये क्या फिर से कम पड़ गया? नहीं, कम नहीं पड़ा, एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। हाँ, क्या बनाई इसमें, क्या रखा है? लाडू पापड़ी करेंगे। अरे वाव, रेडी हो गया। हाँ, रेडी हो गया। आओ हमारे यहाँ। ग्रेसी काय बसणार आहे बेटा? हो, तू काम तर कर, पण काय बसणार आहे इथे? देवी माता बसणार आहे। ओके, स्टेज उसको बोलते हैं मराठी में अडणी। ये नट बोर्ड से टाइट होते हैं। नीचे का मेटल बेस अलग है, प्लाई अलग है, उसके ऊपर अड़नियाँ लगती है, और चारों जो वुडन ब्लॉक दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, वो चारों ब्लॉक में ये फंसते हैं, बुक्स फंसते हैं। ये बहुत पुराना सेटअप है, इस सेटअप को लगभग अभी 20 साल के ऊपर हो गए मुझे लगता है। अभी ये आखिरी साल होगा ये सेटअप का, क्योंकि बहुत पुराना है, कई नट लूज हो गए हैं, कुछ थोड़ा प्लाई का भी डैमेज हो गया है, लेकिन इस साल काम चल जाएगा। अगली बार से शायद नया सेटअप और नया लगेगा। मेरे फेवरेट लड्डू है ये। हाँ, भगवान की तरफ से निकाल रहे ना। ग्रेसी तो अभी से मांगने लगी लड्डू दे दो। अरे मेरे मेरे फेवरेट है तो ग्रेसी के भी फेवरेट होंगे ही ना। बहुत अच्छा लगता है मुझे, भगवान जी के चढ़ा दो और हमको भी एक एक कप भोग लगा दो। नहीं देख, गुस्सा। या महालक्ष्मी की तैयारियां शुरू हो गई है।
स्टेज लग रहा है अंदर, अनर से करंजी वगैरह में रख के आ गई हूँ। और यहाँ ग्रेसी अपने ही कारतू में कर रही है भैया के साथ, क्या स्क्रू खेल रही ग्रेसी। यहाँ प्रतीक जी स्क्रू कस रहे, बाबा अंदर से कीला ठोक रहे हैं, पापा का सब खूब वर्ष झाले इसको, यहाँ स्टेजला खूब वर्ष झालेले आहे, आता याला दुरुस्त करत आहे पप्पा। जिथे जिथे वीक वाटते तिथे तिथे पप्पा दुरुस्त करत आहे। मस्त, आता याच्यावर आम्ही जिलेटिन पेपर लावू आणि याला मस्त नवीन कलर दू। जिलेटिन पेपर लावल्यावर, रॅपिंग पेपर लावल्यावर आणि हा स्टेज स्टँड आहे ज्याच्यावर आम्ही देवी बसवतो, म्हणजे ज्याच्यावर देवीचा पूर्ण आम्ही देवी पूर्ण आम्ही स्थापित करतो। हा स्टँड आहे दोन आणि लहाने काय झोलबाचा असं कुछ तो भी काम की चीजें चल रही है। ये आउटर स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है, अब यहाँ पे लगाया जा रहा है फेविकॉल। मैडम पहले फेविकॉल नहीं ना, फेविकॉल थोड़ा एरिया में, उतने एरिया में स्टिकर, फिर थोड़े एरिया में, फिर थोड़े एरिया में स्टिकर, नहीं ठीक। अब ये खुशहाली लाए यहाँ पे फेविकॉल लगा रही है और इस पर लगाया जाएगा वॉलपेपर। पेपर ये लाए हैं, ग्रीन कलर का पेपर लाए हैं इस बार। क्या स्पेशल भाई? ये पेपर है जो पेपर लगाया जाएगा इसके ऊपर। नहीं नहीं बरोबर है, तू भी चिपकवा तो वॉलपेपर वाले तसे चिपकवतात। ज्यादा इधर वेस्ट मत छोड़ो, ज्यादा वेस्ट पेपर मत छोड़ो। इस बार ग्रीन कलर है, नॉर्मली गोल्डन येलो या पिंक या ऑरेंज कलर होता है, इस बार पापा ग्रीन कलर ले आए। अब ये ग्रीन कलर पे कल सुबह आएगा सुंदर सा डेकोरेशन, फॉरेस्ट का ग्रीन कलर। हाँ अशी चिपकुपट्टी, आता तुम्हाला काय पाहिजे? पप्पा यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं, जो आर्च है ना उसमें उसकी कटिंग कर रहे हैं पेपर की। अब ये फाइनल होने के बाद आपको दिखाएंगे कैसा लगेगा। वो हमारे श्याम दादा है, ये हमारे नकुल दादा है। पप्पा नहीं, पप्पा ला तू बचाओ। लो आया उसको शेक। हाँ आ गया शेक। अब देख, अभी ये है इंटरनल वॉलपेपर जो हमने लगाया पेपर इस पे स्ट्रक्चर पे, अभी लगेंगे इसके ऊपर फूल, यानी कि ये फूल माँ लक्ष्मी देवी की। हम मैंने देवी के लिए ये सब पैनल्स खरीद के लेके आए थे नागपुर से,
और ज्वेलरी भी लाई थी मैंने महालक्ष्मी जी के लिए। वो जब मैं कल तैयार करूंगी महालक्ष्मी जी को पूरा, तब आपको दिखाऊंगी। चलो दादा खींचो 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 खींचो। कुठे ठेवणार आहे तू हे? बॅलन्स ने तू ठेवणार कुठे आहे? म्हणजे कोणत्या लेवलला लावायचं आहे तुला हे? सबसे ऊपर? हां थोडं ठीक आहे, राईट साइड का थोडा खींचना पडेगा, राईट का खींचना पडेगा। हां ये सही लग रहा है। ठीक आहे कृषी कायला। हां कसा दम लगा के? दम लगा के हैशा। हो गया क्या आज का काम? आज का काम हो गया। ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ नीचे लगेगा, स्टेशन नीचे लगेगा ये वाला। ओके ऐसा दिख रहा है ये भी। ग्रेसी की मदद चल रही है आज। अभी समय हो रहा है रात के 2:11 और कल सुबह जल्दी उठना है और इसको पूरा करना है। पूरा लुक आपको कल दिखेगा।